फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको डीडीए से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए के काफ़ी फ्लैट्स जो थे वह अनसोल्ड रह गए हैं और इन अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को सेल आउट करने के लिए डीडीए ने एक बार फिर से इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है और डीडीए ने इस स्कीम की क्लोजिंग डेट रखी है 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2024 तक आप अपने डिजायर्ड फ्लैट्स की बुकिंग कर सकते हैं। किस लोकेशन पे फ्लैट्स खाली है, कौन से फ्लैट्स खाली है, कौन से फ्लोर का फ्लैट खाली है, यह सब डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आपको डीडीए के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि डीडीए का कौन से फ्लैट्स खाली हैं। उसके बाद यदि फ्लैट जो है आपके लिए सुटेबल है देन आप उसको परचेज कर सकते हैं, यानी बुक कर सकते हैं। सुटेबल नहीं है तो 2500 रुपये का आपका जो पेमेंट है वो बेकार गया। कहने का मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा वह नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2500 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ना कौन कौन से फ्लैट्स खाली हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम नरेला सेक्टर G2 और G7 के LIG और EWS फ्लैट्स के बारे में जानेंगे कि ये फ्लैट्स अभी खाली हैं नहीं हैं, कौन से फ्लोर पे खाली है, कितने फ्लैट्स जो है सेल आउट हुए हैं, इन सारी डिटेल हम आज की वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि ये फ्लैट्स जो आपके लिए सुटेबल है, यानी कि जो फ्लैट आप परचेज करना चाहते हैं, जिस फ्लोर का आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, जिस ब्लॉक में आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि जो भी फ्लैट आप परचेज करना चाहते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। आपको मैं एक एक ब्लॉक में बताऊंगा कि यहाँ पे कितने फ्लैट्स जो हैं सेल आउट हो चुके हैं, कितने फ्लैट्स जो है अभी अनसोल्ड है, कौन से फ्लैट्स जो है अभी अनसोल्ड है, कौन से फ्लोर पे कितने फ्लैट्स जो है अभी अनसोल्ड है, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि नरेला सेक्टर G2 और G7 में कौन कौन से फ्लैट्स जो हैं अभी अनसोल्ड है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डीडीए के पोर्टल पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आईडी जो है आपका पैन नंबर ही होगा। फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यू फ्लैट्स का ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स जिन लोगों ने 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे नहीं किया उनके लॉगिन करने के बाद यहाँ पे व्यू फ्लैट्स का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 2500 रुपये की पेमेंट करेगा उसी का ये ऑप्शन आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं व्यू फ्लैट्स में नरेला सेक्टर G2 और G6 के LIG और EWS फ्लैट्स का क्या स्टेटस है। फ्रेंड्स मैंने अभी वीडियो में गलती से G7 बोल दिया था, सेक्टर G2 और G6। ठीक है फ्रेंड्स, G7 के फ्लैट्स का हम स्टेटस बाद में देखेंगे, आज की वीडियो में G2 और G6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे व्यू फ्लैट्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे नरेला सेक्टर G2 एंड G6। सबसे पहले देखते हैं पॉकेट 3 के फ्लैट्स, ब्लॉक ए, यहाँ पे टावर ए। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 445 फ्लैट्स अभी खाली हैं और सिर्फ 5 फ्लैट्स बिके हैं, ये LIG फ्लैट्स हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि ये कौन से फ्लैट्स हैं, कौन से LIG है, कौन से EWS है और जिसमें ज़्यादा फ्लैट सेल आउट हुए होंगे उसको मैं दिखा भी दूंगा कि कौन से फ्लोर के फ्लैट्स अभी खाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉकेट 3 का ब्लॉक बी देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 579 फ्लैट्स अभी खाली हैं, सिर्फ 6 फ्लैट्स बिके हैं, देख लेते हैं कौन से फ्लोर के बिके हैं एक बार। ये देखिए सारे फ्लैट्स खाली है, ये जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं ना सब फ्लैट्स खाली है। एक ये बिका है, 3 ये बिके हैं, 2 ये बिके हैं। इनकी कॉस्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, मान लीजिए मुझे ये बुक करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉस्ट आ गई 21,05,949 रुपये। यहाँ पे 1,00,000 रुपये इसकी बुकिंग अमाउंट है, फ्लैट नंबर 642। आप चाहें तो किसी भी फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सारे फ्लैट्स खाली हैं। ठीक है, बैक आते हैं, यहाँ पे दोबारा से लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे हम नरेला सेक्टर G2 और G6 पॉकेट 3। अब ब्लॉक सी में देखते हैं, ब्लॉक सी में 580 फ्लैट्स खाली हैं, सिर्फ 5 फ्लैट बिके हैं। ब्लॉक E1, ये EWS फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स EWS फ्लैट्स में अभी 46 फ्लैट्स अभी खाली हैं, अभी अनसोल्ड हैं, यहाँ पे सिर्फ 14 फ्लैट्स बिके हैं। 14 फ्लैट्स कौन से बिके हैं एक बार देख लेते हैं, टावर सेलेक्ट करना है, E1 EWS फ्लैट्स हैं। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है सारे बिक गए हैं,
ग्राउंड फ्लोर एक भी खाली नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में आपको फ्लैट मिल जाएंगे। इनकी कॉस्ट एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, सभी ईडब्ल्यूएस की कॉस्ट जो है सेम है। यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 11,63,298 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें 50,000 रुपये का पेमेंट करके आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ब्लॉक E2 में इसमें 48 फ्लैट्स अभी खाली हैं, 12 फ्लैट सेल आउट हो चुके हैं और 12 के 12 फ्लैट्स जो सेल हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर वाले सेल हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। E3 के इसमें भी 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 फ्लैट सेल आउट हुए हैं, सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर वाले ही सेल हुए हैं। ब्लॉक E4 के इसमें भी 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 के 12 जो सेल हुए हैं ग्राउंड फ्लोर के हुए हैं। दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, ये देखिए सारे ग्राउंड फ्लोर वाले सेल हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों फ्लोर अभी खाली हैं। देखिए इसकी कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट देखिए सेम है, 11,63,298 रुपये, 50,000 रुपये इसकी पेमेंट करके आप अपने फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं। नरेला सेक्टर G2 एंड G6 पॉकेट 3 देख रहे थे हम। ब्लॉक E5 इसमें भी 48 फ्लैट्स खाली हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो बिके ही नहीं इसमें। ब्लॉक E6 इसमें भी जो भी फ्लैट्स खाली हैं सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर वाले ही सेल हुए हैं, सारे जो अभी इस समय खाली हैं वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले हैं। दिखा देता हूँ आपको E6 के, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर ही सारे सेल आउट हुए हैं। यहाँ पे आप पॉकेट 4 देख लेते हैं। ब्लॉक ए ये LIG फ्लैट्स हैं, 386 फ्लैट्स खाली हैं, 72 फ्लैट्स यहाँ पे सेल आउट हो चुके हैं। देख लेते हैं कौन से हुए हैं, ये देखिए 12th फ्लोर भी सेल आउट हुआ है, तीन फ्लोर इसमें से भी बिके हैं, 11th फ्लोर, 10th फ्लोर, 9th फ्लोर, 8th फ्लोर, ये देखिए ये सारे जो भी पिंक कलर में दिख रहे हैं ना सब सेल हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सब सेल हो गए हैं। यहाँ पे ब्लॉक बी देख लेते हैं, 615 फ्लैट्स अभी अवेलेबल हैं, 52 फ्लैट्स जो हैं अभी सेल हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लॉक सी में देख लेते हैं, 436 फ्लैट्स अभी खाली हैं, 22 फ्लैट्स जो है अभी सेल हुए हैं। ये सारे LIG है, जो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ये LIG है, और जो E1 E2 है ना ये सारे के सारे EWS है। E1 देख लीजिए इसमें 34 फ्लैट्स अभी खाली है, 26 फ्लैट्स जो हैं बिक गए हैं। कौन से बिके हैं देखते हैं एक बार, ये देखिए ये सारे फ्लैट्स जो हैं बिक गए हैं, जो भी पिंक कलर में आपको दिखेगा। इनकी कॉस्ट भी आप देख लीजिए यहाँ पे, 11,59,738 रुपये, ठीक है, लगभग 11 लाख के आसपास ही सभी फ्लैट्स की कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी आपको EWS की। नरेला E2 में देखिए 44 फ्लैट्स खाली है, 16 बिक गए हैं, EWS है भी। E3 में देखिए 45 फ्लैट्स खाली हैं, 15 फ्लैट्स बिक गए हैं। E4 में देखिए 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 फ्लैट्स बिक गए हैं। ये सारे ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं, मैंने आपको दिखाया भी अभी, जो भी सेल आउट हुए हैं सारे सारे ग्राउंड फ्लोर वाले हुए हैं अभी। E5 में देखते हैं 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 बिक गए हैं। E6 में देखते हैं 39 फ्लैट्स खाली हैं, 21 बिक गए हैं। देखते हैं कौन से 21 बिके हैं एक बार, ये देखिए ये फ्लैट्स बिक गए हैं, चौथा फ्लोर बिक गया, इसमें सेकंड फ्लोर बिक गया, फर्स्ट फ्लोर पे बिक गए हैं, ग्राउंड फ्लोर तो सारा ही खत्म हो गया है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट खाली नहीं है। नरेला यहाँ पे पॉकेट 5 देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे ब्लॉक ए, बी, सी ये सारे के सारे LIG हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ, देख लेना। ए में 457 फ्लैट्स खाली हैं, एक फ्लैट बिका है सिर्फ। अब ग्राउंड फ्लोर का बिका हो या कोई भी बिका हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फ्लैट बिका है, बहुत फ्लैट्स खाली है, ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली आपको मिल जाएगा। ब्लॉक बी में 584 फ्लैट्स खाली हैं, एक फ्लैट बिका है, सिर्फ एक फ्लैट।
ब्लॉक सी में 449 फ्लैट्स खाली हैं, 9 फ्लैट्स बिक गए हैं। भाई ऐसा क्या खास है इसमें 9 बिक गए हैं, देखें जरा कौन से बिके हैं। ये ग्राउंड फ्लोर के दो, ये ग्राउंड फ्लोर वाले ही बिके हैं सारे, ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं, बाकी सारे खाली हैं। कॉस्ट देख लेते हैं एक बार इनकी, 21,05,949 रुपये, 1,00,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है। नरेला सेक्टर G2 G6 पॉकेट 5, यहाँ पे देखेंगे 48 फ्लैट्स अभी खाली हैं, 12 बिके हैं, ये सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं। E2 में देखिए 49 फ्लैट्स खाली हैं, 11 फ्लैट बिक गए हैं, जो भी बिके हैं सब ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सारे ग्राउंड फ्लोर वाले बिके हैं। क्या कॉस्ट है इनकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिख जाएगा, 11,63,298 रुपये, 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट। E2 में देखिए, E2 शायद हमने देख लिया था, E3 देखते हैं, E3 में 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 बिक गए हैं। E4 में देखिए 47 फ्लैट्स खाली हैं, 13 बिक गए हैं। E5 में देखिए, ये सारे EWS हैं, जो भी E से है ना सब EWS हैं, इसमें 35 फ्लैट्स खाली हैं, 13 बिक चुके हैं। E6 में देखिए 36 फ्लैट्स खाली हैं, 12 फ्लैट्स जो हैं बिक चुके हैं। अब देख लेते हैं पॉकेट 6 में, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक ए में ये LIG फ्लैट्स हैं, 449 फ्लैट्स अभी खाली हैं, एक फ्लैट खाली बिका है। देख लेते हैं कौन सा बिका है भाई एक बार, ऐसा कौन है जो इतने बड़े अपार्टमेंट में अकेला रहेगा। ये बिका है, ये रहा बिल्कुल बीचों बीच का लिया है, कितने का है ये फ्लैट, 20,99,084 रुपये, ये थोड़ा कम है, 21,00,000 समथिंग के थे, ये 20,00,000 का है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब मैंने आपको इनिशियल में बता दिया था भाई एकदम से फ्लैट बुक मत करना, पहले देख लेना कि आपके आजू बाजू वाले बुक कर रहे हैं या नहीं बुक कर रहे हैं, नरेला लोकेशन का पर्टिकुलर मैंने बोला था। लेकिन भाई जिसने कर लिया भाई 20,00,000 रुपये फंस गए ना, ये अकेले रहोगे क्या यहाँ पे जिसने भी बुक किया हो। देखते हैं ब्लॉक बी में, देखते हैं 647 फ्लैट्स अभी खाली हैं, सिर्फ 4 फ्लैट्स बिके हैं, सिर्फ 4 फ्लैट्स बिके हैं। ब्लॉक सी में 453 फ्लैट्स खाली हैं, 5 फ्लैट सिर्फ बिके हैं। E1 में अब ये EWS फ्लैट स्टार्ट हो गए, 46 फ्लैट्स अभी खाली हैं, 14 फ्लैट्स बिके हैं, कौन से बिकेंगे वह देख लेते हैं भाई। ये भी ग्राउंड फ्लोर सारे बिके हैं, कॉस्ट क्या है इसकी, 11,59,000। E2 में देखते हैं 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 फ्लैट्स बिके हैं। कहने का मतलब कि आप देखेंगे जो सेक्टर G2 और G6 में नॉर्मली जो EWS फ्लैट्स हैं उनमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बिके हैं, जो मैक्सिमम जो भी EWS फ्लैट्स हैं वहाँ पे आपने देखा कि सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर ही बिके हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वो बहुत कम बिके हैं अभी। E3 में ये भी सारे ग्राउंड फ्लोर ही बिके हैं, एक फ्लैट फर्स्ट फ्लोर का बिक गया होगा, देख लेते हैं कौन सा बिका है भाई एक बार E3 में। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का एक बिका है, बाकी सारे सारे ग्राउंड फ्लोर बिके हैं। आगे देख लेते हैं एक बार, E3 देख लिया, E4 देख लेते हैं, 48 फ्लैट्स खाली हैं, 12 फ्लैट्स यहाँ पे बिके हैं, वही सारे ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट ही बिके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नरेला सेक्टर G2 और G6 के LIG और EWS फ्लैट्स का स्टेटस देखा। बाकी के जो फ्लैट्स हैं अभी भी काफ़ी फ्लैट्स हैं, जैसे कि सेक्टर G7 और G8 के फ्लैट्स, अभी इनका स्टेटस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स हैं, LIG भी है, EWS भी है, MIG भी है, इसका स्टेटस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिरसपुर के हैं, रामगढ़ कॉलोनी है, इन सभी का स्टेटस मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बता दूंगा। बैक टू बैक वीडियो आएंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपको जो फ्लैट लेना है वो खाली है या नहीं है। ठीक है, आपको 2500 रुपये अननेसेसरी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से फ्लैट्स अनसोल्ड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
फ्रेंड्स यदि आप EWS फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी, और LIG कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं यानी LIG फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट आपको पे करना होगा, मतलब 1,00,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जो ये आप पेमेंट करेंगे ना बुकिंग अमाउंट की, ये पेमेंट आपके जो डिमांड लेटर आएगा उसमें से लेस हो जाएगी, यानी कि फ्लैट की कॉस्ट में यह पेमेंट जो है एडजस्ट हो जाएगी, बाकी का अमाउंट आपको पे करना होगा जब आपका डिमांड लेटर आएगा। तो फ्रेंड्स नरेला सेक्टर G2 और G7 के फ्लैट्स की विजिट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप इन फ्लैट्स की विजिट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ और, यदि आप इन फ्लैट्स की बुकिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप फिजिकली विजिट जरूर कर लेना, एक बार जाके जरूर देख लेना, बिना गए आप फ्लैट की बुकिंग मत करना। बाकी बुकिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।